गया पर्दा की तलाश, गिरफ्तारी को मुंबई गई स्पेशल टीम खाली हाथ लौटी। पूर्व सांसद का पुलिस को नहीं मिला सुराग। रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा की गिरफ्तारी को लेकर मुंबई गई पुलिस की विशेष टीम सप्ताह भर बाद लौट आई है। पूर्व सांसद के बारे में भी टीम को सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने वारंट जारी होने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक को विशेष टीम गठित कर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद एसपी ने एक विशेष निरीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। इस टीम ने रामपुर से लेकर मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद तक छापेमारी की, लेकिन पूर्व सांसद हाथ नहीं लग पाई। करीब एक सप्ताह के प्रयास के बाद पुलिस की विशेष टीम शुक्रवार शाम को लौट आई है। पूर्व सांसद को 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होना है। आचार संहिता उल्लंघन में होना है पेश। स्वार और केंद्रीय थाने में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। ये मामले कोर्ट में विचाराधीन है। स्वार में दर्ज एक मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है। इसमें पूर्व सांसद को अपने बयान दर्ज करवाने हैं। केमी थाने में दर्ज हुए दूसरे मामले में अभियोजन की गवाही चल रही है। पूर्व सांसद अब तक दोनों ही मामलों में कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है। इसके साथ ही एसपी को पत्र लिखकर उनकी गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है।